दोस्तों संजय लीला भंसाली की फिल्म में जो भी एक्ट्रेस काम करती है वो रातों रात सुपरस्टार बन जाती है। इसकी दो वजह, सबसे पहली वजह है कि ये फिल्में ऐतिहासिक फिल्में होती हैं, इतिहास के आधार पर बनाई जाती हैं और इसका बहुत ज्यादा महत्व दिखाया जाता है। हालांकि संजय लीला भंसाली इसमें तोड़ मरोड़ ज्यादा करते हैं, यानी जो चीजें होती नहीं है उसे भी दिखाने की कोशिश करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी वजह होती है वो है कंट्रोवर्सी, जो कि ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है, जो आम जनता को पसंद नहीं आता है। लेकिन यही इनका सबसे यूनिक पॉइंट है, जिसके वजह से विवाद के चलते फिल्में जब से बनना शुरू होती हैं रिलीज होने तक विवाद चलते ही रहता है, मारपीट होती है, पोस्टर फाड़े जाते हैं, तरह तरह की बातें चलती है, लेकिन फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती है। अब चाहे फिल्म रामलीला की बात कर लो, बाजीराव मस्तानी की बात कर लो या फिल्म पद्मावत की बात, हर फिल्म में कोई न कोई कंट्रोवर्सी घुस ही जाती है। संजय लीला भंसाली हर बार नए नए एक्ट्रेस के साथ काम करते हैं, दीपिका पादुकोण और ऐश्वर्या राय उनकी फिल्मों में काम करके काफी कुछ नाम कमा चुकी थी। तो इस बार संजय लीला भंसाली ने गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए लिया था आलिया भट्ट को। सोचा कि आलिया भट्ट बहुत ही ज्यादा वायरल चल रही है, एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दे रही है, तो क्यों ना आलिया भट्ट को आजमाया जाए। लेकिन आलिया भट्ट को लेना संजय लीला भंसाली के जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो रही है, क्योंकि अब लोग सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट को मनहूस बता रहे हैं। मनहूस इसलिए बता रहे हैं क्योंकि गंगूबाई काठियावाड़ी जब से बनना शुरू हुई है तब से लेकर अब तक कोई न कोई विवाद होते ही चला आ रहा है। फिल्म का सेट फिल्म सिटी में बनकर तैयार है और फिल्म के सिर्फ 3 दिन की शूटिंग बाकी है, लेकिन उसके पहले संजय लीला भंसाली, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट तीन के तीनों कोरोना वायरस का शिकार हो चुके थे। और जब ये ठीक हुए तब उसके बाद कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लग गया, जिसके चलते 3 दिन की शूटिंग अभी भी रुकी पड़ी है, जो कि होनी बाकी है। और हर रोज इस सेट को बनाए रखने के लिए, जो फिल्म का सेट है उसको सही तरीके से मैनेज करने के लिए हर रोज संजय लीला भंसाली को 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, यानी कि अब तक करोड़ों का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन संजय लीला भंसाली को एक बात का डर और है कि आलिया भट्ट की सड़क 2 पहले ही फ्लॉप हो चुकी है, क्योंकि महेश भट्ट के चलते जो सुशांत के फैंस हैं वो लगातार महेश भट्ट का विरोध कर ही रहे थे, उसके साथ आलिया भट्ट का भी विरोध कर रहे थे और सड़क 2 बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। उसके बाद भी बहुत सारी फिल्में बॉलीवुड की फ्लॉप हुई जिनका विरोध हुआ। और लेटेस्ट अगर अभी बात करें तो सलमान खान की जो राधे है उसको बहुत ही गंदा रिस्पांस मिला है। भले ही उसको लेकर बढ़ चढ़ के बातें दिखा रहे हैं कि उससे फिल्मों को फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन ये बात तो सलमान खान ही जानते होंगे कि किस तरह से उनकी ट्रोलिंग की जा रही है। अब यही डर संजय लीला भंसाली को भी है कि फिल्म में ऑलरेडी तो इतना लॉस हो ही रहा है, जब ये फिल्म बनकर रिलीज होगी, जब इसे ऑनलाइन ऑफलाइन कहां भी रिलीज किया जाएगा, ये फिल्म फ्लॉप होने वाली है, ये बात संजय लीला भंसाली को भी पता है। भले ही वो अपनी लागत वसूल ले, लेकिन फिल्म फ्लॉप होकर रहेगी, इस बात की गारंटी तो इस देश का एक छोटा सा बच्चा भी दे सकता है। देखिए फिल्म का ट्रेलर भी आ चुका है गंगूबाई काठियावाड़ी का, लेकिन उस फिल्म में आलिया भट्ट को देखने के बाद लोग यही बोल रहे हैं कि किस बच्ची को उठाकर फिल्म बनवा दिया है, ये किसी भी तरह से गंगूबाई काठियावाड़ी के रोल में नजर नहीं आ रही, ये तो फ्लिपकार्ट के एड में जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं उसकी तरह लग रही है। और इन्हीं सब वजहों से लोग आलिया भट्ट को मनहूस बोल रहे हैं कि आलिया भट्ट के चलते संजय लीला भंसाली को बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कॉमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ, धन्यवाद।